हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्वागत है आप सबका जिया की सीरीन लाइफ में और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बुक रिव्यू ये बुक को मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था लेकिन बुक रिव्यू अभी तक शेयर नहीं किया तो सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए तो आज की बुक है ये मर्डर एट मुशायरा बाय रज़ा मीर और ये बुक ना ट्वेंटी में ही रिलीज हुई है तो बहुत ज़्यादा पुरानी बुक नहीं है न्यू ही पब्लिश हुई है सो ये बुक एक मर्डर मिस्ट्री है और एक हिस्टोरिक फिक्शन है इसके साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा थ्रिलर और रोमांस का भी तड़का लगा हुआ है बुक जो है वो लेटर मुगल्स के टाइम पे सेट हुई हुई है तो उस टाइम की स्टोरी है तो उस तरह की डिटेलिंग इस बुक के अंदर काफी ज्यादा अच्छी दे रखी है और मुझे इस बुक के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि Uh, इस बुक के जो मेन हीरो हैं वो है मिर्जा गालिब यस yes, मिर्जा गालिब को आपने हमेशा पोएम्स में या उनकी शायरी गजलों के थ्रू ही जाना होगा मेरे को तो सिर्फ इतना ही पता था उनके बारे में लेकिन इमेजिनरी uh, ही सही हमको इस बुक के अंदर मिर्जा गालिब का एक बहुत अलग रोल देखने को मिलता है तो इस बुक का नाम मर्डर एट मुशायरा है मुशायरा होता है जो पोएटिक पोएट्स का और शायर्स का एक तरह का कंपटीशन टाइप का होता है जहाँ पे जाके सब शायर और पोएट्स अपनी पोएट्री और अपनी शायरी सुनाते हैं और एक समासा बन जाता है तो अंग्रेजों के टाइम पे अर्ली अंग्रेजों के टाइम पे वो काफी ज्यादा मुशायरे हुआ करते थे नवाब हाउसेज में हुआ करते थे तो इस बुक की जो शुरुआत होती है वो उस मुशायरे के बाद एक कवि यानी कि एक शायर जो होते हैं उनका मर्डर हो जाता है और जैसे ही वो मर्डर होता है और उस मर्डर की जैसी मिस्ट्री खुलती है ना तो एक पता चलता है कि चीजें एक के अंदर एक के अंदर एक, एक उलझी हुई है जो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है इसके अलावा अगर मैं स्कॉलर्स नहीं देना चाहती स्टिल मैं कहूंगी कि इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम दिखाई है ना कि ऊपर से सब कुछ सही दिख रहा है और अंदर ही अंदर कितनी चीजें उलझी पड़ी हैं लेकिन जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में जो ऊपर से नवाब हाउसेस या मुगल हाउसेस जो ऊपर से नॉर्मल दिख रहे थे कि पेंशन मिला करती थी ये हुआ करता था वो हुआ करता था मुशायरे रखे जाते थे लेकिन उनकी असलियत क्या थी क्या ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा था उसकी बहुत अच्छी पिक्चर आपको ये बुक देती है सो so, इस बुक की स्टोरी जो है स्टोरी लाइन बहुत अनएक्सपेक्टेड सी है और कुछ भी आप पहले से प्रिडिक्ट कर, कर सकते स्टोरी में ऑब्वियसली मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन सब कुछ है तो आप कुछ भी पहले से प्रडिक्ट नहीं कर सकते इस बुक के अंदर और इसमें जो लव स्टोरी स्टैंडर्ड लव स्टोरीज बहुत ज्यादा है जो मुझे पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा हुआ है सो अकॉर्डिंग टू दिस साइड ऑफ द बुक इसमें कहा गया है कि सरफराज लश्कर जो है वो रेड पोर्ट पहुंचना चाहते हैं और उस जमाने की दिल्ली जो है वो कचर पचर चल रहा है रमजान की और ईद की ये सब चीजें चल रही है उसके बीच में छुपते छुपाते हुए अनोटेज सरफराज लश्कर पहुंचना चाहते हैं रेड फोर्ट हम रेड फोर्ट क्यों पहुंचना चाहते हैं ये तो बुक पढ़ के ही पता चलेगा लेकिन इस जो इनका सीनैरियो है कि रेड फोर्ट पहुंचने के चक्कर में वो यमुना नदी भी क्रॉस कर रहे हैं और इस सिनारियो को कृष्णा और कालिया जो पॉइजनस स्नेक है उस रेफरेंस से भी जोड़ा जा रहा है जोड़ा जा रहा है इस बुक के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक के अंदर uh, मैं इस बुक की रेटिंग देती हूँ टेन ऑन फाइव यानी कि मुझे फाइव ऑन फाइव से भी ज़्यादा ये बुक अच्छी लगी इसको ना शायद एक मूवी होना चाहिए ये बुक इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग है और मुझे सबसे अच्छी ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ इसकी डिटेलिंग लगी क्योंकि जब इस किताब को आप पढ़ोगे ना लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप उस ज़माने में पहुंच गए हो और रिसोर्सेज uh, की कमी प्रॉब्लम्स और Uh, चाहते इमोशंस बहुत ज्यादा जज्बाती लोगों के प्रिंसिपल्स ये सब चीजें ना इस बुक में बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छी तरीके से uh, लिखी हुई है तो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है बुक uh, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई आई होप आप लोग को भी पसंद आएगी सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप आप लोग को समझ आया होगा मेरा थोड़ा सा रिव्यू और अच्छा लगा होगा और और ऐसे रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आपको और बहुत सारी बुक्स के रिव्यू इस चैनल पे मिल जाएंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बाय